जवाबदेही यात्रा आज प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के गांधी चौराहे पर पहुंची, जहां पर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट परिसर में सभा की, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जवाबदेही यात्रा के कलाकार साथियों ने जवाबदेही यात्रा पर सवाल पूछे और गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कलेक्ट्री में हुई सभा में अभियान से जुड़े मुकेश निर्वासित ने कहा कि राजस्थान की धरती ने सूचना का अधिकार, रोजगार गारंटी जैसे कानून दिए हैं, अब जवाबदेही का कानून आवश्यक रूप से बनेगा। शहर में पहुंची रैली सदस्यों ने सवाल है जवाब दो के नारे के साथ रैली की शुरुआत की। विभिन्न संगठनों ने जवाबदेही कानून पास कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर जवाबदेही कानून पास कराने की मांग के लिए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रैली के आयोजकों ने जवाबदेही कानून की उपयोगिता बताते हुए कहा कि जब सरकार हमारी है, सरकार चलाने से लेकर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तक की प्रक्रिया जनता के रुपयों से संचालित होती है, फिर भी जनता कामों के लिए भटकती है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए इस कानून को पास करने की सहमति जताई। आंदोलन करने वाले प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से भी मुलाकात की। यात्रा है जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही तय हो। बेसिकली हर व्यक्ति जो हर नागरिक है राजस्थान का, वो दफ्तरों में इधर से उधर, चाहे किसी योजना का फ़ायदा लेना हो या अन्य कोई काम, उसको कोई सेवा लेनी है, कुछ और काम कराना है, उसके लिए चक्कर काटते रहते हैं। हमने 6 साल पहले भी इसी तरह से पूरे राजस्थान में जवाबदेही यात्रा निकाली थी। हम 20 दिसंबर को जयपुर में ये यात्रा शुरू करके और अभी तक ये 10वां जिला है यहाँ आए हैं और बाकी के और 23 जिलों में जाएंगे। ये यात्रा का मकसद यही है कि मान लो मजदूर है, किसान है, अपना काम नहीं करे तो उनको मजदूरी नहीं मिलती है, खेत में जो काम नहीं होता है। इसी तरीके से सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि काम नहीं करे तो इनके ऊपर भी जुर्माना लगे और इनके जॉब चार्ट बनाए जाए और उसकी वजह से इन काम होने लग जाएंगे। तो जनता जो हर रोज़ दफ्तर में चक्कर लगाती है, उनके चक्कर लगाना कम होगा। आज प्रतापगढ़ में ये यात्रा पहुंची है, बहुत सारे 100 लोग इस यात्रा में चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ स्थानीय लोग आए हैं, उनको बता रहे हैं कि ये कानून क्या है, कानून के प्रावधान क्या हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक स्वास्थ्य का अधिकार कानून है, उसके बारे में भी पर्चा बांटा गया, चर्चा कर रहे हैं। तो बात यही है कि आज आज़ादी को 75 साल हो गए, 75 साल हुए, लेकिन जो आम आदमी हैं वो आज भी अपने छोटे छोटे हकों के लिए संघर्ष कर रहा है। वो संघर्ष नहीं करना पड़े, इस तरीके की जवाबदेही तय हो, क्योंकि ये जो मोटी मोटी तनख्वाहें या सुविधाएं लेते हैं सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, वो उसी आम जनता का पैसा है, उसी के टैक्स से ये लोग तनख्वाहें लेते हैं। तो इनकी जवाबदेही तय हो, उसके लिए ये यात्रा हम पूरे राजस्थान में निकाले। कार्यालय प्रतापगढ़ पर हैं, हमारे साथ कलाकारों की और उनका टीम चल रही है जो रावण हत्या के माध्यम से, अन्य गानों के माध्यम से, और उनकी ज़िंदगी में भी उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वो ज़िंदगी भर से गाते हैं, बजाते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन उनके काम भी नहीं होते हैं। तो अपने मुद्दों को भी साथ लेके चल रहे हैं और जागरूक करने के लिए गाने भी गा रहे हैं, गाने बना भी रहे हैं। ये टीम पूरे टाइम हमारे साथ है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम जो है संप्रेषण के, अलग अलग माध्यम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, और कई चार्ट हैं अलग अलग तरीके का, वो भी दिखा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि वास्तव में कितनी तनख्वाहें मिलती हैं और ये लोग काम नहीं करते हैं और काम क्यों करना जरूरी है।